मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव है और उसके पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधायकों से वन टू वन कर रहे हैं और मंत्रियों के कामों की समीक्षा कर रहे हैं, जिस पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने निशाना साधा है। अजय सिंह राहुल का कहना है कि मध्य प्रदेश की फिजा बदल गई है, हवा बदली बदली सी है और यह बात मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को भी पता है कि जमीन खिसक चुकी है, अब कोई भी ट्रेनिंग दी जाए कुछ नहीं होने वाला। देखिए, अविश्वास अविश्वास होता है, बिना तथ्य के अविश्वास होता नहीं है। 2011 में भी उन्होंने कहा तथ्य नहीं है, 13 में इतने भयभीत हो गए जब मैं दोबारा अविश्वास लाया था कि उनको एक किसी कांग्रेस के विधायक को तोड़ना पड़ा कि अविश्वास न चर्चा में आए। बड़े मुश्किल से गोविंद सिंह जी ने चर्चा करा ली। अब उसमें तथ्य सही है ये नहीं, ये तो 2023 के चुनाव में साबित होगा। सर, जिस तरह से बार बार बात, देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की वो नेत्री हैं जिनके बदौलत मध्य प्रदेश में शुरुआती दौर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो बिचारी ऐसी पड़ गई हैं कि उनको पत्थर फेंकना पड़ता है दारू की दुकान में कि बंद की जाए। और दूसरे तरफ हमारे मुख्यमंत्री हैं जो इस तरह के कानून बना रहे हैं। अब इसका उत्तर सही तो आप शिवराज सिंह जी से या उमा भारती जी से लीजिए। वीडी शर्मा जी कुंठित हैं आजकल, उनको बड़ी परेशानी है, जो बदलाव वो कराना चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा है, इसलिए उल्टे सीधे बयान देते हैं। उनके बारे में मैं हूं कुछ उचित नहीं। 2013 में भी आप पर अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, लेकिन इस बार ना मैंने संघ की रिपोर्ट देखी और ना कौन वन टू वन चर्चा कर रहा है, लेकिन रिपोर्ट तो कुछ कमी संख्या बता रही है। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा भी विधायकों की ऐसी हालत है कि वो लौटने वाले नहीं। सर, बीडी सर में कह रहे हैं जमीनी हकीकत मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी मालूम है, चुनावी वर्ष है, जमीन खिसक चुकी है, हवा बदली बदली नजर आ रही है। अब तो चाहे कोई सी भी ट्रेनिंग ले लें तो दे दें, होने जाना कुछ नहीं।